नहीं तो ये सत्ता से बाहर जाएंगे, सत्ता में इन्हें बैठने का कोई हक नहीं रहने का। जितने बड़े हिंदू बढ़ रहे ना, सारों की मुसलमानों के लड़की भी आई हुई है। कौन से की ऐसा नेता बताओ बीजेपी में जिसकी मुसलमान के लड़की ना लड़की नहीं है। बड़ी गुंडों की सरकार बीजेपी की है। ये टैग कैसे हटेगा सपा सरकार से? टैग जो लोग लगा गुंडों की सरकार, सरकार जिंदगी अपना आप हटा देंगे। ये भाई जो इनके खिलाफ बोल रहे हैं उसे किसी को जेल में घेर दे, आजम खान जेल में बैठा बेचारा। लेकिन बहुत सारे मुकदमे भी तो हैं उनपे। हाँ जी, तो इनका तो यही है दबाव बनावे। बकरी चोरी के भी मुकदमे। अच्छा। बकरी चोरी करी उनने। ये मुकदमे जो लगा में है ये दूसरों पर दबाव बनाने के लिए लगा में है। वो कह रहे हैं कि आज हिंदू मजबूत हो गया है बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में नहीं हुई। अब मंदिर बन रहा है आपका? मंदिर से कोई लाभ नहीं है, इनका प्रोपगंडा है। पहले आडवाणी भी चलो कहते थे मंदिर की नहीं, अब राम मंदिर बनाएंगे चलो तो ये जीत जाते। मंदिर साहब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो कह रहे हैं अयोध्या के बाद में मथुरा की बारी है, वहाँ भी अब वही गेम करेंगे। हाँ जी, इनका तो यही काम है अब झगड़ा करवाना। पुलवामा में मरवा दी थी पब्लिक, झट वोट मिल गई, बीजेपी की सरकार आ गई। राम बोस, राम बोस जी आज रैली हुई है मेरठ के दबथुआ में, सपा की और आरएलडी की ज्वाइंट रैली है, लाखों की भीड़ आई है रैली में आज। क्या मायने देखते हैं आप इसके? इसके मायने ये होंगे अब यह सरकार अब क्या इनकी बनेगी दोनों के लिए, सपा और आरएलडी की। हाँ जी, लेकिन जो अखिलेश यादव हैं, जब जब सपा की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में या मुलायम सिंह की सरकार आई है, तब तब ऐसे टैग लगते हैं कि ये गुंडों की सरकार है, ये गलत। लेकिन लोग कहते हैं तो, खास तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसको आप गोदी मीडिया कहते हो, वो ये कहते हैं कि बीजेपी और योगी सरकार में आज पाकिस्तान भी थर्राता है। ऐसा कुछ नहीं, इनपे तो सुनो सही, चीन वाले इनपे धरती खोसल लग रहे हैं, इनसे कोई नहीं डर जा सड़क बना रहे। अच्छा, कोई नहीं डर रहा इनसे। लेकिन क्या लग रहा है अंकल जी 2022 में? 2022 में ये साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। लेकिन अमित शाह मोदी जी खुद लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनावों को लेकर। ये तो भाई साहब बंगाल में भी लग रहे थे, वहाँ हार गए। बंगाल में इन्होंने बच्चों को हर जगह छूट दी, लेकिन नहीं लवा लगा। बंगाल में सीटें तो काफी आई बीजेपी की, हार तो गए फिर। हार कहा, उनकी 3 सीट थी, 375 पे आ गए वो। अजी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। फिर ममता सरकार क्यों बनी? अच्छा, ममता सरकार क्यों बनी जब ये जीती थे? लेकिन जो उत्तर प्रदेश है अंकल जी, यहाँ हिंदू मुस्लिम पे वोट डलता है, जातिवाद और धर्म बड़ा मुद्दा होता है यहाँ पे। जो इन्होंने धक्का करवा के कहीं ऐसा कर दिया तो बात दूसरी नहीं, सरकार नहीं आनी नहीं भाई। वसीम रिजवी हैं जो मुस्लिम नेता हैं बीजेपी में, वो हिंदू बन गए हैं कल? ये सब होंगे तो हम एक बात हो, हम जाट हैं। हाँ, हमें क्या लगा तब हम मुसलमान बन जाओ तो ना बने। अंकल जी, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वहाँ जातों की मजबूत स्थिति है, लेकिन आपने अपने अजीत सिंह को, चौधरी चरण सिंह की वो रही थी, वो राजधानी कहते थे मुजफ्फरनगर को, वहाँ आपने उनको हरा दिया, उनके बेटे को भी, उनके पिताजी तथा गुजर गए। हमने ना हरा दिया है भाई साहब, ये सरकार के हराइए अपने हमारे भी अपने सरकार में। खुद अपनी बताऊंगा, जब इलेक्शन मेरठ का चल रहा था तो जो मियाँ जी जो वहाँ लड़ रहे थे अग्रवाल के सामने, ये बहुत भारी मतों से आगे थे, बताई मिल पे। उन्होंने थोड़ी देर में पुलिस आई तो डिक्लेयर कर दिया भाई डीएम आया, डीएम के आने के बाद ये हार गए और अग्रवाल जी जीत गए। बीजेपी का कोई आदमी भी नहीं था तो क्या ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है? हाँ, करते हैं गड़बड़ करते हैं। लेकिन जो नेता हैं जैसे सपा है और आरएलडी है, ये तो अब ईवीएम को भूल ही गए हैं, पहले विरोध कर रहे थे ईवीएम का, अब चुनाव आ रहे हैं इनको उठानी चाहिए वो बात। अजी ये सब इनसे डर रहे, कभी फांस दे कहीं ना कहीं, ये जेल में ना बांट दे, डरते हैं, डरते हैं कभी पुलिस हो जाए। हाँ जी, हो जाए कभी। ममता के भाई पे लगा दिया था इन्होंने केस, उस पर आरोप लगा दिया था। अच्छा, जीत गई ये सब। ताऊ जी बताइए क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में, जो आपके बड़े नेता रहे चौधरी चरण सिंह जी के पोते जयंत चौधरी जी, जी माम तो कच्छल जिला हरिमरा हरियाणा से, हरियाणा के खट्टर है वहाँ तो चौधरी रेन जगह ऊडा की सरकार आवेगी हमारी कांग्रेस की। अच्छा, इसकी थोड़ा इसका सुर जाएगा तो इस्तीफा दे देना, इस्तीफा दे देना सरकार उसकी आंधी सीधी। अच्छा,
सीधी सरकार की आंधी वो बात यकी करो नहीं नहीं यह बात है जी। देखो मैं बहुत दूर ठह रहे हैं हरियाणा से, हरियाणा से मारी दो बस भर ठह रही है तो किसानों की जीत हो गई ताऊ जी, किसान कानून वापस हो गए। मैं यह चीज कहा एमएसपी रह रही है अभी तो इवन तो बहुत अभी तो एमएसपी चला मामला। लेकिन एमएसपी पे मोदी जी ने कोई जिक्र नहीं किया उस दिन जब कानून वापस लिए थे। नाक नहीं करा ये करिए तो क्या चुनावी दिया, चुनावी षड्यंत्र तो नहीं है कोई? चुनावी षड्यंत्र है लगा कर रहे हैं काम। अच्छा लिख कर दे दो पास नहीं हुआ लिख कर दिया। इबी न्यू की न्यू बैठे हम न्यू सौ किसान मर गए वहाँ अपने बोर खुद लाए हमने। जब गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी था ये एमएसपी की मांग कर रहा था केंद्र सरकार से, आज जो प्रधानमंत्री बन गए तो एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं करता? पढ़नी चाहिए ना। लेकिन वो हमें लग रहा है वो लाएंगे नहीं कानून अभी से। 2000 का ये किसान अपना कानून खुद ले आऊंगे। जैसे ये ले उल्टे ले लिए साल भर में, दो महीने में ये भी उल्टे आ जाएंगे।